Welcome back students. So in the previous video I have explained you activity 1 and activity 2 of chapter number 2 exploring puzzles. So I hope you have understood well. So now let's begin with our next activity, that is activity 4. Okay, so let's begin with the next activity, that is activity 4. Adapted from the Canterbury Puzzles and Other Curious Problems by Henry Ernest Dubney, copyright 1907. Now this is a puzzle. यहाँ पे ये एक puzzle है, ठीक है? Puzzle यानी कि पहेली. और ये किसने बनाई? Who has invented these puzzles? Henry Ernest Dubney ने ये इन्वेंटेड किया है पजल्स. ठीक है, अभी हम थोड़ा उनके बारे में भी पढ़ते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट हियर इट इज़ गिवन हिज फोटो. ओके, सो दिस इज हेनरी डॉडने. ओके, अब हेनरी डॉडने का जो बोर्न हुआ था वो 10 अप्रैल 1857 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो करीब 23 अप्रैल 1930 में. And he was an English author and mathematician who specialized in logic, puzzles and mathematical games. Specialized means उनके जो skill है, जो मतलब उनके जो ability है, talent है, वो किस में था? उनका ज़्यादा interest in logical puzzles में, पहेली बनाते थे, ठीक है, और mathematical games में. He is also known as one of the country's foremost creators of mathematical puzzles. यानी कि उनको जो है जाना जाता था देश का काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण निर्माता के, जो जिसने क्या क्रिएट किया था, मैथमेटिकल पजल्स. ओके, सो नेक्स्ट नाउ विल सी फर्दर. Long ago there was an inn where pilgrims often stopped on their way to worship at a famous shrine. इसका मतलब ये है कि काफ़ी समय पहले जो जो पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स मतलब कि वो ऐसे हो तीर्थ यात्रियाँ जो होते हैं उनको हम पिलग्रिम्स बोलते हैं. ठीक है, जो ज़्यादातर वो कहाँ पे जो ट्रैवल करते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में ट्रैवल करते हैं, उसको बोला जाता है पिलग्रिम्स. नाउ दे ऑफन स्टॉप ऑन देयर वे, यानी कि वो कभी कभार जो होते हैं किसी जगह पे रुक जाते हैं. कौन सी जगह पे? पूजा करने के लिए. किसकी पूजा? एट अ फेमस श्राइन, यानी कि जहाँ पे उनके जो रिलीजियस जो प्लेसेस है वहाँ पे वो रुक जाते थे पूजा करने के लिए. अब ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे रेस्टेड फ्रॉम देयर जर्नी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबी जब शाम होती थी तो वहाँ पे वो रेस्ट करते थे, जब वो बहुत ज़्यादा जर्नी करके थक जाते थे तो. दे वुड टेल स्टोरीज एंड समटाइम्स अम्यूज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल्स. कभी कभी क्या होता था कि वो स्टोरीज बताते थे या फिर कभी कभी अम्यूज का मतलब होता है फन. फ़न करते थे कैसे? दूसरे के साथ, जो तीर्थ यात्री थे उनके साथ फ़न करते थे विद सम गेम्स एंड पजल्स. ठीक है, खेलते थे पजल यानी पहेलियाँ. ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न्ड टू द पार्टनर, यानी कि उनकी जो पूरी जो सेम मतलब जो यात्रियाँ थे उसको हम एज अ कंपनी बोलते हैं. सो वो सब कहाँ गए थे? दे ऑल टर्न टू द पार्टनर, पार्टनर के पास गए. पार्टनर मतलब वो होते हैं जो क्षमा करने वाले होते हैं वो. सो नेक्स्ट इज द पार्टनर्स पजल. अब ये द जेंटल पार्टनर हु हैड जस्ट अराइव्ड वेरी टायर्ड ऑल द वे फ्रॉम रोम बैक्ड टू बी एक्सक्यूज्ड बट द कंपनी वुड नॉट स्पेयर हिम. अब इसका मतलब ये है कि जो क्षमा करने वाला जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जेंटल, मतलब काफ़ी सौम्य जो क्षमा करने वाला पार्टनर होता है, वो जस्ट जो अभी रोम से बहुत थका हुआ था और वो बहाना करने के लिए मतलब एक भीख मांगता था कि, लेकिन जो उसकी जो कंपनी थी उसे वो नहीं छोड़ेगी. इसका मतलब ये है, क्यों नहीं छोड़ेगी? बिकॉज फ्रेंड्स एंड फेलो पिलग्रिम्स सेड ही, मतलब कि उसके जो दोस्त फ्रेंड्स मतलब जो दोस्त और उसके जो साथी थे पिलग्रिम्स के, यानी कि जो तीर्थ यात्रियों के, उन्होंने कहा कि ट्रूली द पजल आई हैव मेड इज़ अ पुअर थिंग बट इट्स द बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट.
Believe my lack of knowledge of such matters if you don't like it. So, इसका मतलब ये है कि सही माने में मैंने जो पहेली बनाई है वो एक घटिया चीज़ है, ठीक है। वो बता रहे कि जो उन्होंने पहेली बनाई वो काफ़ी अच्छी नहीं है, चीज़ नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि जो मैं पैदा करना करने के लिए सक्षम हूँ। यदि आपको पसंद नहीं यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो ऐसे मामलों के बारे में मेरी कमी का दोष है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपको ये पज़ल, ये जो गेम आपको नहीं पसंद आता है तो वो मेरी कमियों की वजह से है, वो मेरी ही दोष है यानी गलती है। बट हिज इन्वेंशन वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, पर उसके पर उन्होंने जो इन्वेंट किया ये पज़ल वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी रही है, मतलब काफ़ी अच्छी हमें रिसीव्ड हुई है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आई। इट प्रोड्यूस्ड एकम्पनिंग प्लान एंड सेड दैट इट इज सिंबलाइज 64 टाउन्स थ्रू विच ही हैड टू, यानी कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बनाया था वो पर्सन वो काफ़ी ज़्यादा ही लोगों को पसंद आया उनका प्लान, और उन्होंने बोला ये जो है ये एक ऐसा पर्सन है जो क्या सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइज 64 टाउन्स, यानी कि क्या सिंबलाइज करता है, 64 टाउन्स हैं इसमें थ्रू विच ही हैड टू। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 16 विच हैड टू पास ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलग्रिमेजेस, मतलब कि जो 64 टाउन्स जो है वो उनसे वो पास होके जाएंगे कौन, तीर्थ यात्रियों। ही सेड द लाइन्स कनेक्टिंग द टाउन्स रिप्रेजेंटेड रोड्स, यानी कि ये आपको जो लाइन्स दिखाई दे रही है अब ये जो पूरा जो क्या ये थी सब पर्सल, ये पर्सल है पार्टनर्स पर्सल है, और टोटल कितने टाउन्स है यानी जी जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं बॉक्स, ये टोटल है 64 टाउन्स, कितने हैं ये सारे टाउन्स हैं, और ये जो लाइन्स आपको दिख रही है वो रिप्रेजेंट क्या करती है रोड। ही एक्सप्लेन दैट टू सॉल्व द पजल वन वॉज टू स्टार्ट फ्रॉम द लार्ज ब्लैक टाउन एंड विजिट ऑल द अदर टाउन्स वंस एंड वंस ओनली इन 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेजेस, यानी कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बताया एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको ये पज़ल को इस पहेली को सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो है उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये बड़ा सा जो लार्ज आपको ब्लैक ये जो आपको टाउन दिख रहा है ये यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और विजिट जो है उसको सारे जो टाउन से वहाँ से उसको विजिट करना पड़ेगा, एक एक करके उसको सारी जो जगह है उसको विजिट करना पड़ेगा, और ऑल इन 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेजेस, मतलब जो 15 जो सीधी जो रेखाएं हैं, मतलब उन 15 तीर्थ या 15 स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए, और इन सभी स्ट्रेट लाइन में से जो पिलग्रिमेजेस हैं उनको वहाँ से गुजर मतलब कि एक टाउन से दूसरे तक उनको जाना है। ही सेड द पजल वॉज टू ट्रेस द रूट इन 15 स्ट्रेट लाइन्स विद योर पेंसिल एंड ही सेड यू मे ओके पेंसिल, इसका मतलब ये है कि जो पहेली है को आपको पेंसिल के साथ 15 सीधी रेखाएँ जो हैं 15 स्ट्रेट लाइन्स मतलब जो 15 सीधी रेखाएँ हैं उन्हें मार्ग का पता लगाना है, उनमें से उनको क्या पता लगाना है, ट्रेस द रूट मतलब उनको जो रास्ता है मार्ग उनको उसका पता लगाना है, ठीक है, किससे, पेंसिल से। ही सेड यू मे एंड वेर यू लाइक, उन्होंने बोला कि अगर जहाँ चाहते हो आप वहाँ पे आप एंड कर सकते हो, वहाँ पे आप रुक सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अ लिटिल रोड एट द बॉटम हैज़ बीन ओमिटेड इंटेंशनली एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो दैट वे, इसका मतलब ये है कि बॉटम पर एक छोटी सी एक सड़क है वो जानबूझकर छोड़ दी गई है और उस रास्ते पर जाना इम्पॉसिबल है मतलब असंभव है, और वो आपको दिमाग लगाना है कि वो आपको कैसे जाना है। अब लास्ट में क्या दिया है, Read the story carefully to understand the instructions for solving the partner's puzzle. Work with the partner to understand the story and to solve the puzzle. Try to be the first in your class to solve it. If you finish quickly, go and help others to solve it too. यानी कि you have to read this story very very carefully.
एक बार ये जो स्टोरी है जो मैंने अभी आपको बताई, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, पढ़ना है, समझना है, और इसी जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं वो उसको आपको इसी इंस्ट्रक्शन से आपको ये सारे पार्टनर्स जो पजल है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर क्या है, इधर आपको एक 64 यानी ये जो टाउन 64 टाउन्स जो है वो अरेंज्ड अरेंज्ड इन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर से अरेंज किया हुआ है ग्रिड लेआउट, ओके, विद द रोड्स, मतलब जो रोड्स है कनेक्टिंग ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि हर एक जो टाउन्स है, टोटल 64 टाउन्स है, वो किससे कनेक्टेड है, रोड के जो लाइन है वो रोड के साथ कनेक्टेड है, टू द नियरेस्ट नेबर्स, यानी एक टाउन से लेके दूसरे में है जो काफ़ी नियर है, काफ़ी पास में है, तो वो आपके क्या हुए, नेबर्स, ठीक है। एंड जो आपको इसमें ये देखना है कि जब आप ये पर्सल को स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ब्लैक टाउन से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये आपको जो लाइन्स है टोटल 15 स्ट्रेट लाइन्स जानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जाके आप फिर यहाँ से गए, यहाँ से, मतलब टोटल 15 लाइन्स स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, समझ में आया आपको, स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सिर्फ 15 स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना कि जो 15 स्ट्रेट लाइन्स है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको 15 स्ट्रेट लाइन्स से ही डायरेक्शंस का आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। वेट, देखिए अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो डायरेक्शंस है, अब जैसे आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा ऐसा इसमें कि टोटल कितने डायरेक्शंस होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, और बॉटम में क्या होता है, साउथ, ओके। अब क्या करना है कि यहाँ से जो आपको ब्लैक टाउन जो दिख रहा है, ये ब्लैक टाउन, यहाँ से आपको होते होते जैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल पहले तो स्ट्रेट जाना है, ठीक है, स्ट्रेट जाना है आपको, एकदम स्ट्रेट जाके आपको नॉर्थ की तरफ जाना है। नॉर्थ की तरफ गए तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। फिर यहाँ से आपको स्ट्रेट जाके नॉर्थ से आपको ईस्ट में जाना है, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट में गए तो ये आपकी दूसरी लाइन बन गई, ठीक है। फिर ईस्ट से आपको कहाँ जाना है, साउथ में, तो यहाँ से आप साउथ में जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप साउथ में गए तो यहाँ से आपकी कौन सी लाइन बनी है, तीसरी स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से जाओगे आप वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट से गए तो यहाँ पे आपकी फोर्थ लाइन बन गई, फोर्थ स्ट्रेट लाइन हो गई। और फोर्थ से फिर आप स्ट्रेट दोबारा जाओगे नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ से जाओगे आप, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गए तो ये आपकी हो गई फिफ्थ स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से आप जाओगे वेस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ गए तो आपकी ये सिक्स्थ लाइन हो गई। वेस्ट से जाओगे आप फिर दोबारा साउथ जाओगे, तो यहाँ से हम साउथ में गए, ठीक है, तो यहाँ से आपकी सेवन स्ट्रेट लाइन हुई। सेवन्थ साउथ में जाके फिर आप वेस्ट में जाओगे, वेस्ट में गए आप तो ये आपका क्या हो गया, एट स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर एट स्ट्रेट लाइन के बाद आप सीधा नॉर्थ की तरफ जाओगे, यहाँ से नॉर्थ की तरफ ऐसे सीधे सीधे जाते हुए सीधे 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 गए आप यहाँ से, तो ये आपका क्या हो गया, नाइन्थ स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर यहाँ से आप सीधा नॉर्थ की तरफ गए थे तो अभी हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से आप जाओगे ईस्ट के तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ गए आप, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टेंथ स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर ईस्ट से आप फिर दोबारा साउथ में जाओगे, तो यहाँ से आपको साउथ में जाना है, यहाँ से साउथ में जाके यहाँ से साउथ में जाना है, तो ये आपका हो गया इलेवेंथ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इलेवेंथ स्ट्रेट लाइन हो गया आपका ये, ओके। फिर इलेवेंथ स्ट्रेट लाइन से आपको जाना है इलेवेंथ स्ट्रेट लाइन से आपको जाना है वेस्ट की तरफ, तो ये आपका हो गया ट्वेल्थ स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे आप यहाँ से एकदम सीधी 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 लाइन बनाओगे, तो ये आपकी कौन सी लाइन बन गई, ये आपकी 13th लाइन बन गई स्ट्रेट। फिर यहाँ से नॉर्थ से फिर आप जाओगे वेस्ट, तो यहाँ से वेस्ट जाके 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 जाके
ये कौन सी लाइन बन गई आपकी, 14th स्ट्रेट लाइन बन गई, देख रहे हो आप, 14 स्ट्रेट लाइन बन गई यहाँ से, 14 स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी। फिर 14 से आप नीचे आओगे, ठीक है, और ये आप यहाँ पे आके फिनिश कर दोगे, तो जो ये लास्ट जो लाइन है वो आपकी 15th स्ट्रेट लाइन्स हो गई। क्या हो गई? 15th स्ट्रेट लाइन्स। समझ में आया आपको? ओके, वेट, ओके, तो आपको समझ में आया कि कैसे हमने बनाया है 15 स्ट्रेट लाइन्स, पता चला यहाँ पे ख़त्म हुआ है 15 स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब ये तो एक सोल्यूशन हुआ, अब ऐसे ही टोटल करीब 9 to 10 सोल्यूशंस है, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे ही ख़त्म करो, यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि वो आप कैसे करोगे। अब मैं आपको दूसरा सोल्यूशन बताती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया, आपके लिए बनाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ओके, सो आई थिंक यू कैन सी दिस, यू कैन सी क्लियर नाउ, वेट, ओके, सो अब शायद आपको दिख रहा होगा, ओके, नाउ सी, सो इधर मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए एक दूसरा सोल्यूशन बनाया है, वो तो एक था आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो आपको होमवर्क रहेगा, वो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ड्रॉ करके आपको करना है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आपको वो ड्रॉ करते करते जाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करते करते। नेक्स्ट जो सोल्यूशन है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल 64 टाउन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये दूसरा सोल्यूशन है, आप चाहे इस सोल्यूशन से भी कर सकते हो या जो पहले जो सोल्यूशन है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक नॉर्थ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने बनाया है पूरा, ठीक है, 64 टाउन्स बनाए हैं, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट, नीचे जो है वो साउथ है, और यहाँ पे है वेस्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से अब आप कैसे स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे मैंने भी सेम वही बनाया है, ब्लैक लार्ज टाउन बनाया है मैंने, ठीक है। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो ब्लैक टाउन है, ठीक है, ये ब्लैक टाउन से आपको सबसे पहले कहाँ से जाना है, मैंने पहले स्टार्टिंग नॉर्थ से किया था ना, तो आप भी स्टार्टिंग नॉर्थ से ही करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है, ठीक है, स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है, तो जो यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है वो क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप कहाँ जाओगे, यहाँ से आप ईस्ट की तरफ जाओगे, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो ये आपका हो गया सेकेंड स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, नीचे जाओगे साउथ की तरफ, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, तीसरा स्ट्रेट लाइन। फिर आप जाओगे दोबारा, आप ईस्ट की तरफ जाओगे, तो ये आपका हो गया फोर्थ स्ट्रेट लाइन। फिर फोर्थ स्ट्रेट लाइन के बाद आप दोबारा नॉर्थ जाओगे, ऊपर जाओगे टॉप में, ठीक है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे देखो ध्यान से एकदम, ठीक है, यहाँ से मैंने बनाया, तो ये हो गया आपका फिफ्थ स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से आप दोबारा कहाँ जाओगे, ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया आपका सिक्स्थ लाइन। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, नीचे जाओगे साउथ की तरफ, ठीक है, यहाँ से जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ से साउथ में जाओगे आप, ठीक है, और ये आपका बन गया सेवन्थ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जाओगे आप नीचे साउथ की तरफ, तो यहाँ से जो बना है आपका, ये आपका बना है एट्थ स्ट्रेट लाइन। एट्थ स्ट्रेट लाइन के बाद आप दोबारा जाओगे नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर जाओगे टॉप में, ये हुआ आपका नाइन्थ स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से आप जाओगे वेस्ट की तरफ, तो ये आपका हो गया टेंथ स्ट्रेट लाइन। वेस्ट से फिर दोबारा साउथ में आओगे आप, साउथ डायरेक्शन में जाओगे, तो यानी नीचे, साउथ डायरेक्शन का आया नीचे, तो ये आपका बन गया इलेवेंथ स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद आएगा आपका फिर दोबारा आप जाओगे वेस्ट, यानी वो हो जाएगा आपका 12 स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से आप दोबारा नॉर्थ में जाओगे, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी ऊपर टॉप में, तो यहाँ से आप जाते जाओगे, तो ये हो गया आपका 13 स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से आप वेस्ट में जाओगे, वो हो गया आपका 14 स्ट्रेट लाइन। और फिर आप क्या करोगे, नीचे जाओगे साउथ में, ठीक है, और ये आपका जो है वो लास्ट स्ट्रेट लाइन है, डेट इज़
ये आपका जो है वो लास्ट, देख रहे हो, ये आपका जो है वो लास्ट स्ट्रेट लाइन है, डेट इज़ 15। तो टोटल कितने लाइंस बने हैं? 15 स्ट्रेट लाइंस। कौन कितने बने टोटल? 15 स्ट्रेट लाइंस। दिखा आपको मैंने कैसे बनाया, आपको मैंने अच्छे से दिखा दिया है, समझाया भी है आपको, आपको मैंने दो दो सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो ऐसे करके आपको सॉल्यूशन करना है, और तो इसी तरीके से जो पज़ल है वो सॉल्व होता है। तो आपको आप समझ में आ गया होगा, और ये आपका होमवर्क है। आप चाहे इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्शंस के थ्रू, या फिर जो मैंने आपको जो पहला जो तरीका बताया है वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं, एक्टिविटी नंबर 5। सो टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 17। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन हियर इज एक्टिविटी नंबर 5। ये आपको एक्टिविटी दी है, ठीक है। तो अब ये भी जो है एक अकबर और बीरबल के बारे में है, स्टोरी है, एक फेमस स्टोरी है, और अकबर जो है वो दोबारा बीरबल से एक पजलिंग क्वेश्चंस पूछता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विद बीरबल एंड द अदर कर्टियर्स, एम्परर अकबर बेंट टू पिक अप अ शार्प स्टोन। यानी कि एक बार क्या होता है कि जो अकबर होता है वो बीरबल और दूसरे जो कर्टियर्स होते हैं उनके साथ वो टहलने निकलता है गार्डन में, ठीक है। अब जो एम्परर अकबर होता है वो नीचे झुककर एक शार्प स्टोन लेता है, ठीक है, और उठाता है, और उसके साथ विद इट ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड एंड सेड, बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर। अब वो क्या करता है अकबर, वो एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है, ग्राउंड में। जैसे यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता है नीचे ग्राउंड में, बोलता है बीरबल को कि बीरबल मेरे से लाइन और छोटी बनाओ। ही पोस्ट एंड विद अ ग्लिंट ऑफ मिसचीफ इन हिज आइज ही सेड, बट डोंट टच इट, जस्ट मेक इट शॉर्टर। यानी फिर बाद में जो अकबर बोलता है थोड़ी देर, मतलब पॉज, मतलब कि वो स्टॉप, मतलब स्टॉप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद क्या होता है, ग्लिंट ऑफ मिसचीफ, मतलब उनके आइज में एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा एक ब्राइटनेस था, एक शाइन था, और एक थोड़ा नोटीनेस था उनके आइज में, और फिर उन्होंने ये बोला कि और तुम्हें जो है, बट डोंट टच इट, जस्ट मेक इट शॉर्टर, पर तुम्हें जो मेरी जो लाइन है उसको टच नहीं करना है, और उससे थोड़ा, मतलब उससे छोटा बनाओ, जो मैंने लाइन बनाई है उससे छोटा बनाओ। द कर्टियस लुकड एट ईच अदर, जो कर्टियस है वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बीरबल श्योरली कुडंट डू दिस, कुड ही, अब वहाँ पर होता है कि जो बीरबल है वो, उनको लगता है कि ये तो पक्का ये कर ही नहीं पाएगा, पर क्या वो कर पाएगा? Perhaps he would finally be outwitted, या फिर क्या हो जाएगा कि outwitted, मतलब लास्ट में वो पराजित हो जाएगा कुछ चतुर करके, पर फिर भी लास्ट वो सब कर्टियस ऐसा वो सोचते हैं, बोलते हैं कि तो फिर भी क्या है, बीरबल जो है वो पराजित हो जाएगा कुछ चतुर करके। बट बीरबल कामली बैंड डाउन टू पिक अनदर स्टोन, पर जो बीरबल है बहुत ही कामली, मतलब बहुत ही आराम से वो नीचे झुका और उसने दूसरा स्टोन उठाया। ही क्वाइटली ड्र्यू अ सेकेंड लाइन बिलो अकबर, यानी कि उसने बहुत ही चुपचाप से अकबर ने अकबर की जो लाइन थी उसके नीचे उसने दूसरी सेकेंड लाइन ड्रॉ की। एवरी वन लुकड एट द टू लाइन्स, सबके सब क्या देख रहे थे, इन टू लाइन्स की तरफ वो देख रहे थे। अकबर्स लाइन वॉज क्लियरली शॉर्टर दैन बीरबल्स, यानी कि अकबर की जो लाइन है वो बीरबल से काफ़ी, मतलब छोटी लाइन है। देर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस, यानी काफ़ी सब चुप था, एकदम शांत हो गए थे सब। देन अकबर स्माइल, अकबर ने स्माइल किया और बोला, आई थॉट आई हैड आउटस्मार्टेड यू दिस टाइम बट यू हैव डन इट अगेन। इसका मतलब ये है, उसमें अकबर ने बोला स्माइल करते हुए कि मैंने तो सोचा क्या, मैंने तो इस बार तुम्हें मतलब हरा दिया, पराजित कर दिया, पर तुमने फिर से जो चतुरी थी, जो क्लेवरनेस था वो तुमने फिर से दिखा दिया अपना, ठीक है, जो स्मार्टनेस था, जो तुम्हारी इंटेलिजेंस थी वो तुमने दोबारा दिखा दिया। देख सी, अब इसमें क्या था कि यहाँ पे अकबर ने क्या बोला कि आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, या अकबर ने बड़ी सी लाइन ड्रॉ करी, पर अकबर ने बोला कि मेरी लाइन को छूना नहीं है, और मेरी लाइन को छोटी, मतलब मेरी लाइन को बिना छू कर तुम्हें छोटी लाइन ड्रॉ करनी है जो मेरे से छोटी हो। तो इसलिए बीरबल ने क्या किया, अकबर की
अकबर से बीरबल ने क्या किया कि अकबर से दूसरी लाइन ड्रॉ करी, जो कि बिल्कुल साफ था कि अकबर की लाइन बड़ी थी और बीरबल की लाइन छोटी। समझ में आया? सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी सिक्स। अब एक्टिविटी सिक्स में क्या है कि बीरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वॉज व्हेन अकबर फर्स्ट ड्रू इट, यानी बीरबल जो है उसने पहले लाइन को मतलब शॉर्टर नहीं बनाया जब अकबर ने पहले ड्रॉ किया था। बट ही मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर देन इस लाइन, पर उसने क्या किया अकबर की लाइन से छोटी ही लाइन ड्रॉ करी। देख रहे हो ना ऊपर, ये अकबर की लाइन है और ये बीरबल की। अकबर्स लाइन कैन नॉट बी से टू बी शॉर्ट, यानी पर अकबर की जो लाइन है उसको कोई कह नहीं सकता कि वो छोटी है। इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर या बी देन अनदर लाइन, यानी या फिर वो दूसरी लाइन से वो बड़ी होगी या फिर वो छोटी होगी। शॉर्ट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि जो शॉर्ट जो वर्ड है वो इट इज़ नॉट अ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट मतलब कि नॉट चेंजिंग, बट उसको हम बोलेंगे कि जो बदल नहीं सकता, बट वो एक रिलेटिव है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब वो होता है कि जो कुछ हम और की तुलना में मापा जाता है उसको हम रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मतलब एक आइडिया लगाया है यहाँ पे। अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल्स लाइन, अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो अकबर की जो लाइन है वो छोटी है किससे, बीरबल की लाइन, द बीरबल की लाइन जो है वो छोटी अकबर की लाइन से। तो एज वी थिंक अबाउट पजल्स एंड प्रॉब्लम, जैसे हम सोचते हैं जो पजल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वी वॉन्ट टू बी श्योर आर अजम्पशंस आर करेक्ट, मतलब हमें ऐसा होता है कि हमारी जो भी अजम्पशंस है वो करेक्ट होती है, करेक्ट होनी चाहिए। We also want to remember that many times cannot be described in absolute terms, they can only be described in relative terms. अब इसका मतलब ये है कि हमें सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम absolute terms में describe करते हैं, ना कि हम relative terms में। जैसे for example, यहाँ पर नीचे example दिया है, A rich man may think that a dosa is very cheap, but a poor man will think a dosa is very costly. So cost is a relative concept. इसका मतलब ये है कि जो rich man मतलब कि जो भी अमीर आदमी होता है वो क्या सोचता है कि जो डोसा है वो काफ़ी सस्ता, चीप यानी सस्ता है, पर पुअर मैन के लिए, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो उसके लिए तो डोसा क्या है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपनी अलग अलग सोच होती है। ठीक है, हर कोई अपना अलग अलग एजम्पशन करता है, एज्यूम करता है, इसलिए कॉस्ट क्या हो गया, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट मतलब कि आइडिया होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट मतलब आइडिया, और रिलेटिव क्या होता है कि जो हम जज करते हैं। ठीक है, बींग जज्ड, दैट इज़ द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, एंड जो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट जो होता है उसके, डेट इज़ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट इज़, इसका मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है नॉट चेंजिंग। ठीक है, मतलब जिसे हम बदल नहीं सकते। ओके, सो नेक्स्ट टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज 18। सो नेक्स्ट पेज इज 18। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग विंटर यू मे फील डैट द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, बट द वेदर इज़ प्रॉबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर एट द साउथ पोल। अब इसका मतलब ये है कि कभी जब विंटर का सीज़न आता है तो हम क्या फील करते हैं कि हमारा जो वेदर वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, बट पर जो दूसरा जो साउथ पोल है, साउथ पोल जो है वहाँ पे का एंटार्क्टिका है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डबल ज़्यादा मतलब ठंड पड़ती है, तो इससे कंपैरिजन में हमारा जो मतलब जो वेदर है वो ज़्यादा वार्म है, देखिए थोड़ा गर्म है एज कंपेयर टू साउथ पोल। समझ में आया? तो इसका मतलब यही है कि हर किसी का अपना अलग अलग एजम्पशन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ ये आपका होमवर्क रहेगा, इफ़ यू एंड योर क्लासमेट डिसाइड राइट टू, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ये आपको बताना है कि एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो जो क्या होता है, जो हम कुछ और की तुलना में मापा जाता है। रिलेटिव क्या होता है,
कि कुछ और की तुलना में मापा जाता है उसको हम, या फिर उसको जज किया जाता है, डेट इज़ द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। और एब्सोल्यूट क्या होता है? जो नहीं बदल रहा है, मतलब नॉट चेंजिंग, डेट इज़ द एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अब यहाँ पे टॉल है, तो टॉल क्या हो जाएगा, रिलेटिव होगा कि एब्सोल्यूट होगा? टॉल जो है उसको हम तुलना करते हैं, मापा जाता है, इसलिए वो रिलेटिव में आएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, और जो रिच है इसे भी हम मापते हैं, ठीक है, उसको भी हम जज किया जाता है, तुलना करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव। बट दूसरी तरफ जो डेड है, डेड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। समझ में आया? और जो फ्री है, यानी फ्री रहना, तो फ्री जो है वो भी किस में आएगा, रिलेटिव में। एजुकेटेड है वो भी, जो उसको भी हम जज करते हैं, तुलना करते हैं, है ना, जज करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में ही आएगा। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को भी हम मापते हैं, तोलते हैं, तो वो भी क्या होगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में आएगा। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको आज जो अभी मैंने पढ़ाया है? होप यू अंडरस्टूड वेल। एंड नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 9, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो फॉर डैट, ओके, बाय, टेक केयर।